हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोम शास्त्र में स्वागत है। आज हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानने वाले हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, फिजिक्स के किस प्रिंसिपल या पर ये काम करता है। फिर हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है और एंड में हम देखेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एंड लास्ट में हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज से करीब 80 to 84 years back कुछ हमारी लाइफ कुछ इस प्रकार से थी। अगर आपकी माँ या फिर 1960 से पहले की अगर हम बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति की माँ गुड़गांव में है और आप मुंबई में हैं, तो आप ना अपनी माँ को देख सकते थे और ना ही आप उसको सुन सकते थे। हाँ, हमारी जो आपकी और आपकी माँ की जो बातें होती थी वो सिर्फ और सिर्फ खत के थ्रू या फिर कबूतर के थ्रू हम बातें कर पाते थे। कबूतर ही बड़े महंगे आते थे उस टाइम पे, तो फिर बड़े ही मतलब दुविधा थी सबके साथ कि हम कैसे बात करें। आज तो आप लोग 799 का रिचार्ज करते हैं और 3 महीने फ्री में माँ बहन भाई बीवी गर्लफ्रेंड एट ऑल से आप बात कर पाते हैं, है ना। तो 1960 से पहले लोगों की ज़िंदगी बहुत ही थोड़ी मतलब इस मैटर में तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते थे कि अगर उनके से बात करना हो तो प्रॉब्लम फेस होती थी। लेकिन 1960 के बाद वो वही लोग जो जिनको प्रॉब्लम फेस होती थी एक दूसरे से बात करने में, वो एक दूसरे को बात कर पाते थे और एक दूसरे को देख भी पाते थे, एक दूसरे को सुन भी पाते थे। इन सब का कारण एक ही था, वो था ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के आ जाने से एक माँ अपने बेटे से बात कर पा रही थी, एक माँ अपने बेटे को देख पा रही थी, एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बात कर पा रही थी, एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से बात कर पा रहा था। जो भी आप आज की डेट में फ़ोटो शेयरिंग वगैरह जितना भी चीज़ें करते हैं वो सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर के कारण। ऑप्टिकल फाइबर ही था जो आज हम किसी को देख पाते हैं, किसी को सुन पाते हैं, किसी की वीडियो रिकॉर्ड करके हम कहीं सेंड कर पाते हैं। तो हम बिना वक्त गवाए ऑप्टिकल फाइबर को बारे में और जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर है क्या? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर इज अ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग लाइट पल्सेस ट्रेवलिंग अलोंग विद अ लॉन्ग फाइबर विच इज यूजली मेड ऑफ प्लास्टिक ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर इज मतलब वन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जो डाटा ट्रांसमिशन के साथ एसोसिएट होती है। मतलब हम कहें तो सिंपली सी बात करें तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो डाटा ट्रांसमिशन के साथ एसोसिएट होता है, डाटा ट्रांसमिशन के बेस पर काम करता है, जो लाइट पल्सेस के थ्रू वो लाइट के थ्रू डाटा को एक एंड से दूसरे एंड में लेके जाता है और ये प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है। और हम देखेंगे, अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे ये लाइट कुछ इस प्रकार से जाके इधर आ रही है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम और देखते हैं इस वीडियो को, देख रहे होंगे इस वीडियो में लाइट कैसे एक एंड से इस वाले एंड से इस वॉल से टकरा के वापस आ रही है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है कि लाइट यहाँ से टकरा कर
बाउंस बैक होकर उसी मीडिया में वापस आ जाती है। ठीक है, और ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये उसके बाहर की लेयर है। अब हम थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में कैसे बना, कैसे होता ऑप्टिकल फाइबर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसको कहते हैं हम लोग कोर, सेकेंड लेयर को हम कहते हैं क्लैडिंग, थर्ड लेयर बफर एंड फोर्थ लेयर जैकेट। जो मेन लेयर है ये कोर एंड क्लैडिंग है, जो हमारी मेन लेयर है वो है कोर एंड क्लैडिंग। हमारी जो मेन लेयर है दोनों है कोर एंड क्लैडिंग, और बाकी ये दोनों लेयर इनके प्रोटेक्शन की लगाई जाती हैं ताकि ये दोनों डैमेज ना हो पाए। इन दोनों को डैमेज से बचाने के लिए ये बफर एंड जैकेट को लगाया जाता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिना पे काम करता है। व्हाट इज कोर एंड क्लैडिंग? कोर एंड क्लैडिंग जस्ट इट्स अ नेम ऑफ इनर लेयर एंड आउटर लेयर ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर। और आप कहने को तो इसको आप दिस एंड दैट भी कह सकते थे और जैक एंड जॉन भी कह सकते थे, बट इट्स अ नेम ऑफ इनर लेयर एंड आउटर लेयर, कोर एंड क्लैडिंग। मेनली ये बने होते हैं प्लास्टिक और ग्लास के ही बने होते हैं। हम उनकी अभी हम पहले इसके प्रिंसिपल पे का देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। आप लोग इस पे देख रहे होंगे कि ये वाटर लेयर है, ये हमारा वाटर लेयर है। वाटर लेयर के अंदर हमने अगर लाइट को किया है तो कैसे टकरा के उसी वापस वाटर में आ जा रहा है। हम अगर एक और फिनोमेना देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डायमंड के अंदर से भी लाइट कैसे जाके वापस डायमंड के अंदर रिफ्लेक्ट कर जा रही है, देन फिर वापस डायमंड से आ जा रही है। तो हम समझते हैं कि हो क्यों रहा है, ये सब फिनोमिना हो क्यों रहा है। देखो, जो टी हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, कि वो एक लाइट के आपने सुना होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटरनल मतलब कि लाइट का टोटली जिस मीडियम में है उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाना, दैट इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मैंने पानी के अंदर से लाइट को लाइट के सरफेस पे इंसिडेंट कराया है तो उसी पानी में ही वापस आ जाएगी, तो हम कहेंगे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन ना होके रिफ्लेक्शन हो जाना, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जनरली हम तो TIR तो अगर देखेंगे तो रिफ्लेक्शन को भी हम एक TIR कह सकते हैं, बट उसको हम TIR इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें जो मीडियम होता है रिफ्लेक्शन के केस में वो मीडियम हमारा ओपेक्यू होता है, जिसमें मतलब लाइट लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाती। बट इन द केस ऑफ TIR जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो मतलब जिसके अंदर से हम TIR परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक टाइम के बाद रिफ्रैक्शन भी शो करेगा, बट किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए ही बस वो रिफ्लेक्शन को शो करता है, इसीलिए हम इसको TIR कहते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि TIR होता क्या है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वाले केस में कि हमें लाइट को वाटर के अंदर से ट्रेवल करने के लिए वाटर के अंदर से वाटर के सरफेस पे इंसिडेंट किया है वाटर के अंदर से, तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है।
इसमें हमें ये बात रखना कि एन ए वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है पानी के रिफ्रेक्टिव वो एयर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से। जो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, फिर भी लाइट जो है वाटर को, ऑब्वियस सी बात है कि वाटर इज अ रिफ्रेक्टिव मीडियम, मतलब लाइट को रिफ्रेक्ट करेगा, लाइट लाइट को रिफ्रेक्ट करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अलाउ करे जाने के लिए। लेकिन एक सर्टन केस आता है कि जहाँ पे हमारा इंसिडेंस एंगल इतना हो जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्रेक्टेड एंगल है, वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। इंसिडेंट एंगल इतना हो जाएगा कि रिफ्रेक्टेड एंगल, जो एंगल आर है, वो 90 के इक्वल हो जाएगा। तो उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक टाइम, एक एंगल ऐसा होगा जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो उस इंसिडेंट एंगल को, जिस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है, उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग है। वाटर के लिए कुछ और है, तो फिर आप डायमंड के लिए कुछ और ले लेंगे, सिलिका के लिए कुछ और ले लेंगे, प्लास्टिक के लिए कुछ और ले लेंगे। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे कि यहां पे थर्ड केस में हमारे पास सेम हेयर की एन ए और एन बी है, जिसमें एन ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और एन बी का कम है। एन बी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और एन ए इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इंसिडेंस एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट जो है उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई जिस मीडियम से हमने उसको इंसिडेंट करवाया था, मतलब जिस मीडियम से हम चाहते थे कि वो रिफ्रैक्ट कर जाए और दूसरे मीडियम में एंटर कर पाए, वापस उसी मीडियम में आ गई। तो इस फिनोमिना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लाइट को हमने वाटर के सरफेस पे इंसिडेंट कराया, बट वो बाहर न जाके उसी मीडियम में वापस आ गए। इस फिनोमिना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है। पहला, जिस मीडियम से हम लाइट को दूसरे मीडियम में भेज रहे हैं वो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मीडिया इस वाटर से एयर में ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी, वाटर से एयर में रिफ्रैक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए एयर जिस मीडियम में मैं उसको भेज रहा हूँ, एयर में। और दूसरा चीज़, जो एंगल आई है, इट मीन्स कि इंसिडेंट एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल एंगल होता है। तो वो आपको जब मटेरियल लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको पता, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आप उसको निकाल भी सकते हैं। वो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है। अगर आपको नीड होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसके थ्रू आपको पता चल पाएगा कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करके हम इन क्रिटिकल एंगल को फाइंड करते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया, देखिए हम यहाँ से दो बातें पता चली कि अगर मेरे को टी आई आर परफॉर्म करवाना है, तो दूसरा मतलब टी आई आर करवाना है किसी भी सिस्टम में, तो मेरे को पहले बात तो मीडियम, जो जिस मीडियम से मैं लाइट को भेज रहा हूँ दूसरे मीडियम में, उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो इंसिडेंस एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये दो बातें हमने यहाँ से देखा कि टी आई आर फिनोमिना को करवाने के लिए ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, कि हाउ वर्क्स। तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लाइट इसके अंदर जा रही है और ट्रांसमिट होके, मतलब ये टी आई आर होकर 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 यहाँ से ऐसे 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 करते 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 ये ऐसे घूमते घूमते कुछ इस प्रकार से ये यहाँ से निकल गई। हमने एक एंड से लाइट को भेजा और दूसरे एंड से हम यहाँ पे हम उसको
देख पा रहे कि लाइट वहां से आ रही है दूसरे एंड से, ठीक है। अभी यहां पे हम जो देखेंगे ये हमारा कोर है, ये जो है हमारा कोर है येलो कलर का जो दिख पा रहा होगा आपको, और ये लाइट रे जो उसके अंदर जा रही है, ठीक है। अब और ये हमारा क्लेडिंग है। सिंपल सा मैंने अभी आपको बताया है कि कोर और क्लेडिंग, मैं कोर के अंदर से लाइट को भेज रहा हूं और वो क्लेडिंग के और कोर के सरफेस, जहां क्लेडिंग और कोर मिल रहे होंगे उस सरफेस पे जाके फॉल कर रही होगी। तो सिंपल सी बात है, कोर और क्लेडिंग में से किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है कोर का ज्यादा होगा, तभी लाइट का TIR पॉसिबल है, अदरवाइज TIR नहीं हो पाएगा। अभी हमने वाटर के केस में देखा है कि जिस मीडियम से लाइट को भेज रहे हैं दूसरे मीडियम में, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा चीज जो यहां पे इंसिडेंस एंगल बन रहा होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। ये दो बातें यहां पे ध्यान में रखिए, काम हो रहा होगा एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और दूसरा एंगल IIC से ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा हम इसके वर्किंग के बारे में जान लेते हैं कि बेसिक वर्किंग क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक ट्रांसमीटर चाहिए होगा जो लाइट को ट्रांसमिट करेगा और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भेजेगा। दूसरा चीज हमें पता होना चाहिए हमें ऑप्टिकल फाइबर की नीड लगेगी जिसके अंदर डाटा हम लोग लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट होगी वो समथिंग की हम सिग्नल्स को हम लोग लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। आज आप देखते हैं कि किसी भी सिग्नल्स को फोटोज भी आप सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो पहले टेली कम्युनिकेशन जो नियरेस्ट टावर है वहां जाता होगा, वहां से उस डाटा को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते होंगे। देन लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर करता होगा और वो ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए आगे दूसरे एंड में वो पहुंच जाता होगा। तो पहले हमें ट्रांसमीटर चाहिए जो लाइट को ट्रांसमिट करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर जिसके अंदर लाइट ट्रांसमिट होगी, और तीसरा हमें ऑप्टिकल रिसीवर चाहिए जहां दूसरे एंड पे हम जहां फोटो भेज रहे हैं वहां पे एक रिसीवर लगा होगा, उस फोटो को उस लाइट जो फोटो की डिटेल्स लाइट के फॉर्म में है उसको रिसीव करेगा वो, ठीक है, और जहां उसको जान पहुंचाना है टावर के थ्रू पहुंचा देगा। अब ये ऑप्टिकल रीजनरेशन, सम टाइम रीजनरेटर, कभी कभी हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या लॉन्ग डिस्टेंस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के केस में हम लोग क्या करते हैं, बीच में ही ऑप्टिकल रीजनरेटर लगाते हैं ताकि उसको दोबारा से इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर पाए, ठीक है ना। समटाइम सिग्नल लॉस जो होता है थोड़ा होता है ना, तो उसको जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना तो हमारा जो लॉस परसेंटेज बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम कम करने के लिए बीच में हम रीजनरेटर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कंस्ट्रक्शन और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बेस पर ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला मल्टी मोड, दूसरा सिंगल मोड। दोनों में सिंपल सा एक ही डिफरेंस है। देखो कंस्ट्रक्शन के बेस पे हम देखें तो हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बेस पे देखते हैं, एक ही डिफरेंस है, और फिर इनके बाद इनके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जैसे बना हमने इसको बना दिया, उसके बनाने के बाद इनके अकॉर्डिंग इनके काम है बनाने के, जैसे हमने बनाया है तो इनके दोनों के अपने अलग अलग काम है, तो उन काम का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो पहला जो बेसिक सा डिफरेंस है इनका, जो ये कोर वाला पार्ट है हमारा, जो ये कोर का पार्ट है हमारा, इसमें मल्टी मोड में 50 माइक्रोमीटर होता है और सिंगल मोड में 9 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और दोनों का ये जो कोर है और क्लैडिंग है, क्लैडिंग तो सेम है बस कोर का ही डिफरेंस है। कोर देखो दोनों में क्लैडिंग हमारा 125 माइक्रोमीटर है, ये मैटर नहीं करता कि क्लैडिंग का साइज क्या है, बट हाँ यहाँ पे ये मैटर करता है कि अगर मेरे को सिंगल मोड और मल्टी मोड बनाना है तो ये जरूर मैटर करता है कि कोर का साइज क्या है और क्लैडिंग का साइज क्या है। फिर आता है ये, फिर आता है इनका ये थोड़ा डिफरेंस, मैंने थोड़ा सा इसको ये यहाँ पे इसके लिए है और ये चीज इसके लिए है, थोड़ा सा ये मिस टाइप हो गया मेरे से।
हाँ मल्टी मोड सिंगल, कुछ इस प्रकार से इनका फ्रंट व्यू है, वो साइड व्यू था, ये फ्रंट व्यू है दोनों का, ठीक है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ बहुत ही छोटा सा हो गया हमारे कोर क्लेडिंग में इनके सिंगल मोड, और मल्टी मोड में थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू सिंगल मोड। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें जब डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो सिंगल मोड के केस में हमें लेजर चाहिए होगा। हमें अगर डाटा ट्रांसमिट करना है तो सिंगल मोड के केस में हमें लेजर चाहिए होगा, बट कि मल्टी मोड के केस में हमें एलईडी चाहिए। एलईडी से भी हमारा काम हो जाता है क्योंकि वहां पे एक साथ मल्टी इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी मोड। और इसको सिंगल मोड इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल इंफॉर्मेशन एक टाइम पे हम भेजते हैं, और यहाँ पे मल्टी इंफॉर्मेशन भेजते हैं इसीलिए इसको मल्टी मोड, और यहाँ पे इसको सिंगल मोड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल इंफॉर्मेशन। जो सिंगल मोड का हम यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, अगर हम लोग को यहाँ से अमेरिका बात, इंडिया से अमेरिका बात करनी है तो हम सिंगल मोड का यूज करेंगे, बट नियरेस्ट मेरे को बात करना नियर बाई, या फिर मेरे को यहाँ से केरला ही बात करनी, साउथ में बात करें तो भी मैं इस सिंगल मोड का ही यूज करूंगा। लेकिन इन द केस ऑफ मेरे को अपने नियरेस्ट गुड़गांव से मेरे को दिल्ली बात करनी है तो मैं इसका यूज करूंगा मल्टी मोड का। तो ये दोनों का यूज से भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि हम मल्टी मोड को मल्टी मोड क्यों कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्लस मल्टी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं, जबकि सिंगल मोड का लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड सिंगल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं। अब हमने बेसिक डिफरेंस भी इसका देख लिया है, अब हम आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इकोनॉमिकली एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, थिन एंड नॉन फ्लेमेबल है। आप जानते हैं कि इसके आ जाने से हमारे जो पहले कबूतर हमारे महंगे होते थे, पर आज की डेट में अगर मेरे को किसी से बात करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, तो मेरे कहा से 799 में हम 3 महीने तक आराम से बातें कर पाते हैं, मैसेज वैसेज वीडियो कॉल चैट्स एट ऑल सब हमारा पॉसिबल है। 799 या फिर 699, 620 अलग अलग रिचार्ज के प्लान है, वो तो मैं बात करने के लिए नहीं बैठा है। हाँ थिन एंड नॉन फ्लेमेबल है, पतला होता है काफ़ी और जलता नहीं, मतलब जल नहीं सकता, अपने आप तो नहीं जलता है, जलाएंगे तो जल ही जाएगा। लेस पावर कंजम्पशन है एज कम्पेयर टू अदर जो ट्रांसमिशन प्लान्स हैं उसमें ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है, इसमें कम होता है। लेस सिग्नल ड्यूरेशन है, सिग्नल काफी ड्यूरेशन कम होता है। अभी मैंने बात की थी कि लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में तो बहुत ही कम सिग्नल ड्यूरेशन होता है, बट थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में सिग्नल ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो इसलिए वो ज़्यादा हो जाता है। और फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल भी है और इसका लाइट वेट है। थोड़ा सा अब मैं इसे यूज़ के बारे में बताऊंगा कि यूज़ क्या क्या है इसके। जनरली बता दूं मैं आपको, जो इसके यूजेस हैं, हम जित जहाँ पे भी आप जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप अपने फ़ोन से लेके कुछ भी, हम जैसे कि हम टेली कम्युनिकेशन में देख ही रहे हैं इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर मेरे को मैं अगर हॉस्पिटल में चला जाऊँ, मैं अगर केमिकल इंडस्ट्री में चला जाऊँ, मैं अगर लेबोरेटरीज में चला जाऊँ, मैं अगर सॉरी किसी भी बड़े बड़े जो स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं, या फिर गूगल के जितने भी सेंटर्स हैं, वो जितना गूगल का जितना भी सारा डाटा आता है एक अमेरिका के थ्रू, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह जब देखते हैं, समुद्र में इसकी वायर्स बिछाई जाती हैं, मतलब हर एक फील्ड में इसका अब यूज़ है। किसी फील्ड में चले जाइए इसका यूज़ है। इसका अल्टरनेट भी आ रहा है, अब हम सेटेलाइट के थ्रू हम इसको रिमूव करने की कहीं कहीं कोशिश कर रहे हैं। एलोन मस्क ने डिस्कवर भी कर दिया है, आप सर्च कर सकते हैं अल्टरनेट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के नाम से, आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करें अपने फ्रेंड्स।